देखिए कुदरत का एक अनोखा नजारा, जहाँ कीड़े उड़ रहे हैं और चिड़िया उन्हें पकड़ पकड़ के खा रही हैं, और ये रॉयल भी उन्हीं को देख रहे हैं। जैसे ये मुझे आज नेचर में दिख रहा है, वैसे बहुत कम ही लोग देख पाएंगे, क्योंकि आजकल जितना भी प्रदूषण और ये सब बढ़ रहा है ना, उसके बाद तो ये सब दिखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा भविष्य में, तो बहुत ही कम लोगों को ये प्राप्त होगा देखना। चलो मेरे को तो दिख ही गया, तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। और हमेशा की तरह आज मैं फिर से उठा 4 बजे और ये आ गई पूरी मैडम जी, नागिन की तरह डांस करने लगी मेरे सामने। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था और मुझे थोड़ा रॉयल ने बहुत परेशान कर दिया था सुबह, इतना मेरे को जगाता है ये रात में। और फिर हम लोग ये देखिए, कल था भंडारा और ये देखिए पूरा। और गाइस ये बताना चाहता हूँ कि ये कुत्ते भी इसी भंडारे में, ये जो बच्चा कुच्चा है खाने आ जाते हैं, तो इनके पेट में प्लास्टिक और डिस्पोजल चला गया, तो फिर इनकी सेहत का क्या होगा। तो ये कचरा तो अच्छे से फेंकना चाहिए। और ये आ गया मैं अब खाने देने के लिए, घूम फिर के मस्त चक्कर लगा के डमरू सिंह बैठे हैं। डमरू सिंह को पहले भोजन दिया जाए, फिर आगे डमरू की बहन आ गई, काफ़ी भूखी लग रही थी, भंडारा खाया था इसने कल ठूस ठूस के, फिर भी आ गई, तो फिर मैंने इसको भी खाना दे दिया। मस्त खड़ी है यहाँ पे, वाई है कि गर्ल सब लोग मम्मी बेटे कहाँ गए? अच्छा इनको इधर देना है। सिस्टम पे सिस्टम। गाइस एक गंभीर सोच में था मैं आज, कि ये लोग माजी की सड़ी गली रोटियां इतने चाव से खा कैसे लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती माजी की रोटियां, इतना स्वाद ले लेकर कैसे खा लेते हैं ये लोग रोटियां। लगता है मेरे से इतना ही डरते हैं लोग माजी से, कि इनको भी माजी का खौफ है, इसलिए ये लोग अच्छे से खा लेते हैं कि माजी बिल्कुल भी इनको डरा ना पाए। ये प्लान बढ़िया है वैसे तो, और मुझे तो लग रहा था आज ये लोग बिल्कुल भी कुछ खाने नहीं वाले, इतना ठूस ठूस के बैठे होंगे, बलून बन के बैठे होंगे, पर आज तो इनका इतना और ज़्यादा ही भूख लग रही थी लगता है इन लोग को, तो इतना आज तो इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा भोजन किया है, इन लोगों ने लगता है कुछ भंडारे में ज़्यादा खाया ही नहीं है। ये चिली कहाँ चढ़ी जा रही है यार, तू पूरी ऊपर ही चली जा रही है क्या यार चिली। तो गाइस आप देख ही सकते हैं कि ये लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, इन लोग का हमारे साथ एक बॉन्ड बन जाता है। ये लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं आते हैं अब, ये लोग हमसे प्यार करने लगे हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं जब मैं इनको रॉयल को घुमाने जाता हूँ तो पूरी टोली बना के चलते हैं साथ में, ये मतलब खाना खाने के बाद भी हमारे साथ ही रहते हैं, तो इससे इनका पता चलता है कि ये लोग इतना वो नहीं करना चाहते हैं, ये लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, प्यार करते हैं हमसे। और ये है मम्मी और बच्चे, ये लोग धीरे धीरे हमारे घर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमें दूर पार्क में मिला करते थे, अब ये लोग हमारे घर के एकदम ट्रांसफार्मर के पास आ गए हैं खाना मांगने के लिए। धीरे धीरे ये लोग टोली ज्वाइन करने ही वाले हैं लगता है अब, और आज इनने एग्रीमेंट भी किया था कुछ ओबी के साथ। अगर वो एग्रीमेंट सक्सेसफुल रहा तो कल से ये लोग भी आपको दिखेंगे हमारे वीडियो में, देखते हैं ओबी का एग्रीमेंट सक्सेसफुल था कि नहीं। और गाइस हम इनको दूर से खाना इसलिए देते हैं क्योंकि ये लोग बहुत डरपोक किस्म के कुत्ते हैं, क्योंकि पहले तो ये लोग एकदम जंगल के बीच में रहा करते थे, धीरे धीरे ये लोग अब सामाजिक बनते जा रहे हैं, तो इनको डर तो लगेगा ही, ये तो असाधारण सी बात है, धीरे धीरे इनका डर